साहिबगंज जिला अंतर्गत कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित जीवनपुर बॉर्डर में मध्य रात्रि 1:30 बजे बैरियर पर तैनात पुलिस के जवान महेंद्र यादव एवं उमेश यादव के साथ 6 से 7 व्यक्ति हरवे हथियार के साथ पहुंचकर मारपीट कर जमकर उत्पात मचाया। जवान के हल्ला करने पर जीवनपुर गांव के लोग दौड़कर आए तथा असामाजिक तत्वों को खदेड़ा। असामाजिक तत्व रेलवे लाइन मकई की फसल होते हुए भाग निकले। इस संबंध में जवान के लिखित आवेदन के आधार पर कोटाल पोखर थाना में नामजद राजीव कुमार गुप्ता, पिता प्रदीप गुप्ता, निहाल कुमार सह पिता अरुण साह, बप्पी कुमार सह पिता निर्मल साह, सन कुमार सह पिता महेंद्र साह एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर मामला दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने बापी कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बरेरवा SDPO प्रमोद कुमार मिश्रा कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के घटनास्थल पर पहुंचकर घायल पीड़ित दोनों जवानों का हालचाल जाना, पूरी घटना का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त किया। उक्त मौके पर कोटाल पोखर थाना प्रभारी राम हरीश निराला एवं अन्य पुलिस बल मौजूद थे। P3 न्यूज झारखंड के लिए साहिबगंज के बरहरवा से प्रशंजित कुमार अमन की रिपोर्ट। जैसा कि हम लोगों ने जांच किया तो आप सभी को पता है कि कोटाल पोखर थाना अंतर्गत ग्राम जीवनपुर में COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है। वहाँ पुलिस बाहर से खास करके बंगाल से आने वाले लोगों पर नियंत्रण रखती है ताकि कोविड का प्रचार प्रसार नहीं हो सके। इसी क्रम में 22 और 23 की रात्रि में 1:30 बजे लगभग वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी अपने आरक्षियों के साथ वहाँ तैनात थे। 4-5 लोग वहाँ गए। महेंद्र यादव सिपाही वहाँ पर तैनात था, उससे बोला कि तुम लोग यहाँ कोविड ड्यूटी करने आए हो या पैसा सुनने आए हो। इसी बात को लेकर के 4-5 आदमी जिसके पर नामित FIR हुआ है सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार किए और उनके साथ मारपीट भी किया गया है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू, हम लोग दूसरे पक्ष से संपर्क करने का भी तक प्रयास किया है लेकिन वो टर्नअप नहीं हुए हैं। मामले की मैं जांच कर रहा हूँ, जो भी इसमें सच्चाई होगी इस संबंध में मैं अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बाद में खबर कर दिया जाए।